प्रतीक वहाँ वीडियो बना रहा, मगर फोन ना मत गेर दिए, थोड़ा पीछे को बनाइए क्योंकि भाई साहब छूट भी सका फोन का ना भरोसा है, घेर दे तेरी ऐसी तेज। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ गए हम फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज काफ़ी दिनों बाद फिर ब्लॉग की शुरुआत की है, फिर बना रहे आज ब्लॉग। तो चलते हैं कहीं बाहर घूमने, वैसे बाहर घूमने का प्लान था तो मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते अपना ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो बाइक भी तैयार खड़ी हुई है और प्रतीक भी अंदर रेडी है, मैंने बस शूज़ पहने हैं, मैंने जब भी चप्पलें डाली हुई शूज़ पहन के बस निकलना है यहाँ से। बाइक उधर खड़ी हुई है तो धूप है अभी, मतलब धूप ऐसी धूप नहीं है कि ज़्यादा। गाइज अभी हम पहुँच गए हैं मैर प्रतीक जो सदाशिव मंदिर है वहाँ पर। तो यहाँ का टूर था हमारा सदाशिव मंदिर आने का, मंदिर अभी थोड़ी ऊपर है जो वो रास्ता दिख रहा है यहाँ से जाना है। फर्स्ट जो हमारा पहला व्लॉग था उसमें भी आप लोगों को दिखाया था कि हम सदाशिव और कलेश्वर मंदिर आए थे, कलेश्वर मंदिर जाएंगे फिर दोबारा, कभी अच्छा प्लान बनेगा और अच्छा पूरा व्लॉग बनाना वहाँ पर। बट अभी आज के बारे में बात करते हैं। तो आज जा रहे हैं सदाशिव मंदिर इस रास्ते से, यहाँ से फिर वही ऊँचाई वाला मतलब ड्राइविंग टेस्ट फिर होगा अपना। तो जैसा भी है, प्रतीक फर्स्ट टाइम आया इसलिए मैं इसको यहाँ पर घुमा लिया, मगर चल कोई ना तेरे को दिखा लेता हूँ कैसी लोकेशन है और लोकेशन देख कर भाई मज़ा ही आ गया। हाँ भाई प्रतीक, कैसा लगा यहाँ आके? सही है भाई, लोकेशन वगैरह लोकेशन ठीक है, जन्नत की फील आएगी, है ना। और दूसरी बात, अभी तो तू यहाँ नीचे खड़ा है, अभी तो यहाँ नॉर्मल सा है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, पीछे भी मतलब खाली है। और जब हम टॉप पर जाएंगे मंदिर के टॉप पर फिर देखियो कैसी खतरनाक चीज़ दिखने वाली है भाई। आज खुश हो जाएगा दिल, कई दिन से हम सोच रहे थे ब्लॉग नहीं बना रहे, घर से निकल नहीं पा रहे थे। बट अब जैसे जैसे धीरे धीरे इसको पता लगा ना, फिर अपने आप ही निकलने की कोशिश करेंगे, चलो घूम आते कहीं और अच्छी जगह चलते हैं। तो इसका पहला मंदिर आ रहा होगा, तू इससे पहले कोई और से मंदिर गया है? इससे पहले कोई और मंदिर ना गया, तो अभी आया है फर्स्ट मंदिर सदाशिव मंदिर। तो अभी चलते हैं ऊपर मंदिर पर और यहाँ से लेके जाते हैं ड्राइविंग स्किल्स फिर दोबारा, आज चेक होने वाली है। तो अभी हम पहुंच गए मंदिर ऊपर, जहां पर मंदिर है उस जगह पे पहुंच चुके हैं, ये है मेन मंदिर। और थोड़ा सा अभी चलते हैं अंदर, एक चीज़ और दिखा देता हूं आप लोगों को ना, पीछे मतलब दिख रही है जो ये जो सामने है ना, ये मंदिर टाइम में तुम्हें दिख रहा है ये, इसे स्वर्ग आश्रम बोलते हैं, यहाँ पर आश्रम है ये। तो यहाँ पर भी चलेंगे कभी फिर, बट अभी तो टाइम वाइम है नहीं, फिर चलेंगे कभी। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह, मैं वहाँ से रास्ते से गुजरा हूँ बट उसके अंदर कभी नहीं गया, तो कभी कोशिश करेंगे वहाँ पे जाने की। बट अभी मंदिर चलते हैं अंदर। हाँ जब मुझे ऐसा लग रहा है मंदिर बंद ना कर रखा हो, ऐसा मतलब फील सा हो रहा है कि मंदिर को लॉक ना लगाओ, कोई नहीं देखते हैं चलते हैं। तो ऐसा कुछ है मंदिर जो सदाशिव मंदिर है, नहीं खुला है मंदिर। ओके तो यहाँ से कुछ ऐसी लुक आती है, दिखाते हैं बाहर की वादियों में घूमते हुए। और अभी तो थोड़े पेड़ ज़्यादा बड़े हो गए, वरना सामने सीधे पहाड़ दिखते थे, अब दिखाते हैं जैसे अभी घर दिख रहे होंगे। ये देखो यहाँ से खड़े होकर कुछ ऐसी वादियों की फ़ोटोज़ वीडियोज़, मतलब लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऐसे कुछ है यहाँ पर ये मंदिर। तो अभी चलते हैं, अभी तक मंदिर में कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पर मंदिर में जैसे भी कोई आते हैं तो शाम को या सुबह आते हैं। ये ऐसा कुछ है मंदिर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक है। तो पीछे है ये लंगर भवन, मतलब किचन है मंदिर का, और ये पीछे का कुछ ऐसा मॉल है।
अभी सभी मंदिरों में मतलब लोग क्या हुआ है पता नहीं, मॉर्निंग में खोलते हैं या इवनिंग में, दो टाइम खोलते हैं दोनों टाइम, बट अभी लोग हैं, हम थोड़ा सा ऐसे टाइम पे आए कि कोई नहीं है मंदिर में। तो फिर कभी आएंगे जब कोई होंगे, कोई अच्छा प्रोग्राम होगा तब अच्छे से दिखाएंगे, तब उस टाइम सारे मंदिर जो भी मंदिर हैं ये हैं वो हैं सारे मंदिर खुले होते हैं। ये देखो, और सबसे मतलब जो सबसे प्यारी चीज़ है, मतलब मेरे को लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट, तो ये है, यहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को। अभी तो खुलेगा नहीं, वरना खोल के तो और ज़्यादा बेस्ट आना था। पता नहीं आप लोगों को कैसे दिख रहा होगा यार, कोशिश करता हूँ पूरा अच्छे दिखाने की। इधर से देखो, ये यहाँ से थोड़ा सा दिख जाए आप लोगों को, ऐसा कुछ है, ये अंदर पूरा शीशे में बंद है। अभी मंदिर में कोई भी नहीं है, तो अभी हम सिर्फ मत्था टेकने आए थे, घूमने आए थे, तो अभी चलते हैं मंदिर से किसी और अच्छी प्यारी सी जगह पर। फ़ोटो लेनी है? एक दो तो ले ही लेते हैं फ़ोटो, बिना फ़ोटो के तो कैसे ही जाएंगे। जब भी आते हैं तो फ़ोटो ज़रूर लेके जाता हूँ। हाँ, एक बार और आया था उनके साथ, भाई के साथ आया था, जो शांत भाई थे यहाँ पर, बड़े भाई थे, तो अब तो वो चले गए, तब थे तो उनके साथ भी आया था शायद, उस दिन व्लॉग बनाया था, बनाया होना, ऐसी तो बात नहीं है, व्लॉग बनाया होना। तो चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं यहाँ से मंदिर से और किसी और अच्छी जगह पर, मतलब वैसे ही घूमते फिरते फिर घर निकल जाएंगे। फाइनली प्रतीक को भी उस जगह लिया है जहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा आते थे, मैं अब्बू और भाई भी आते थे। ये है अपना वो पुल और यहाँ पर है वो नदी। हो चलो, पानी पहले हम जब आए थे ना, मैं और भाई आए थे, जब बड़े भाई आए थे, तो पानी मतलब थोड़ा सा ना स्टार्ट हुआ था पानी ज़्यादा होना, तो उस टाइम मतलब पानी थोड़ा सा डस्ट टाइप का, ऐसे मिट्टी टाइप का था, बट अब जो पानी आ रहा है अब काफ़ी साफ है, बिल्कुल आराम से बंदा चाहे तो नहा सकता है, बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, जहाँ ऐसे गलत जगह पर नहाना नहीं चाहिए, बट पानी काफ़ी हद तक साफ हो चुका है। और बाकी तो भाई प्रतीक बताएगा कैसा क्या कुछ है, प्रतीक से पूछेंगे कैसे रिव्यू है, भाई तू बता तेरे को कैसे लग रहा है, क्योंकि हम तो आते रहते हैं। हाँ, कोई मेरे लिए नई जगह होगी जहाँ पर मैं अभी तक नहीं गया हूँ, वहाँ पर जाके मैं अच्छे रिव्यू दे सकता हूँ कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रही है। हो तो अभी इतनी भीड़ भी नहीं है, अभी जैसे शाम होगी ना, अभी धूप है तो धूप में लोग कम आते, जैसे धीरे धीरे शाम होती जाएगी, थोड़ा सा ठंडा माहौल हो जाएगा, तब लोगों को देखना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, हद से ज़्यादा रश होता है। और थोड़ा उस साइड जब वहाँ जाते हैं पीछे की साइड, तो पीछे क्या बोलते हैं फूड वैन वगैरह भी है, तो अच्छी वो क्या बोलते हैं वो घूमने लायक प्लेस है अच्छी खासी। प्रतीक वहाँ वीडियो बना रहा, मगर फ़ोन ना मत गेर दिए, थोड़ा पीछे को बनाइए, क्योंकि भाई साहब छूट भी सके फ़ोन का, ना भरोसा है, गेर दे तेरी ऐसी तेज, गेर के दिखा रहा, गेर दे भाई, हम तो क्या कर सके हैं, अपने भूल जाइए फ़ोन भी आएगा फिर। बाकी तू बता, तू तो पहली बार पूरे इस वाले पुल पर आया, तूने व्लॉग में पहले देख, घर ये घर था तो पहले व्लॉग देखता था, तो कि भाई वो नदी वाली कौन सी जगह कौन सी, इसने दो तीन बार पूछी यहाँ आने के बाद, इसको आए हुए यहाँ पर महीना हो गया, बट कभी घूमने नहीं गया बाहर, क्योंकि हम आते थे सो जाते थे, बट मेरे को, बट आप पता क्या ऐसी जगह लग रही है, सही तो सारी है, खतरनाक सा रिव्यू दे कि हाँ भाई बढ़िया है ये वो, ओ भाई इतनी अच्छी जगह, ओ भाई ऐसा कुछ दे यार, जब होगी तसल्ली। बाकी पानी काफ़ी साफ है यार, मेरा तो नहाने का मन कर रहा पानी देख के। चल कोई ना, नहाना ना चाहिए ऐसी जगह पर कभी भी अकेले, क्योंकि कुछ भी हो सके, गिर भी सके बंदर, बह भी सके, क्योंकि बहाव ठीक ठाक है, मैं दिख नहीं रहा, दूर से ऐसा लगता है कि पानी नॉर्मल जा रहा है, बट काफ़ी तेज़ बहाव होता है, जब हम पास से देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा बहाव लगता है। अभी चलते हैं घर की तरफ, अभी प्लान हो गया है कि अभी घर निकलते हैं, क्योंकि शाम होने वाली है, घर जाके खाना पीना बनाना आप लोगों को पता है खुद ही बनाना होता है, तो काफ़ी लेट ना करते हुए अभी चलते हैं यहाँ से। और ये देख लो, सही दोस्ती चल रही है टाइसन की, स्वाद है ना ढंग से, एक काम करते ना बिस्तर में लेके गैल सोए कर इवना खाओ रोटी के डोंगा नूरन कर रहा,
टाइसन भी सही मस्ती मार रहा है अपने। टाइसन की दिक्कत है अपना, आराम से मजे से बैठा है। यह टाइसन को भी अपना कोई घुमाने वाला चाहिए, कोई हाथ से लाने वाला चाहिए। टाइसन को अपना बंदा मिल रहा है, अपना आराम से सो रहे। हाँ जी गाइस, तो मार्केट से सब्जी वगैरह ले आए थे और काफ़ी टाइम हो चुका है, रात अभी मतलब डिनर टाइम हो चुका है, डिनर के लिए बैठ भी चुके हैं। तो आंटी अपने चुपचाप, आंटी के सबसे पहले स्टार्ट करने की आदत है, कभी देख ले ब्लॉग में दिखेगा। मैं तो अभी खाई टोपी ना थोड़ा, आंटी पहली रेडी है अपने से। चलो सही है। और खाने में तोरी सब्जी और ये भल्ले वगैरह बनाए हुए आंटी ने। तो शाम के टाइम चले गए, जहाँ अगर दही मिल जाए तो फिर तो हमें जन्नत मिल गया, हमें तो और कुछ चाहिए ना। नमक कम है तो नमक लेके आता हूँ अभी। सब्जी में थोड़ा सा नमक कम हो गया यार, मेरे तो ऐसे ही बना है, अब क्या बताऊँ। नमक है कौन से डब्बे में आंटी? अच्छा इसमें से डाल देंगे ना। होता है भाई कभी कभी नमक भी कम हो जाता है, प्रोफेशनल नहीं है ना हमारा। चलो चलता है, अभी खाना खा लेते, खाना खाने के बाद मिलते हैं। और आज तो काफ़ी दिन बाद व्लॉग बनाया, तो अलग ही फीलिंग आ रही है आज तो। वैसे व्लॉग बनाने में ऐसा लग रहा पता नहीं कुछ दोबारा से नया काम स्टार्ट कर दिया हो। हाँ जी गाइस, तो अभी डिनर वगैरह करके फ्री हो चुके हैं। और आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टाटा बाय बाय।